मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा के समनापुर गांव में प्रशासन की बेरुखी के चलते एक किसान ने नाले के ऊपर लकड़ी का पुल ही बना डाला था। वजह थी कि इस रास्ते में खेतों को जाने वाली सड़क की पुलिया 2 सालों से क्षतिग्रस्त थी। सागर एक्सप्रेस न्यूज ने जब किसान शिव प्रसाद कुर्मी का दर्द जाना और उसके इस हौसले को सलाम किया, जिस हौसले की वजह से आज इस लकड़ी के पुल पर सैकड़ों किसान अपने खेत में जाते हैं। खबर चलने के बाद प्रशासन ने सागर एक्सप्रेस न्यूज की इस खबर का संज्ञान लिया और हमें सूचित किया कि हम जल्द ही किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए सरकार से पुल बनाने की स्वीकृति ले लेंगे। इस पुल को बनाने में तकरीबन 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर इस पुल का एस्टीमेट बनाया है। जो ये क्षेत्र है ग्राम पंचायत समनापुर, यहाँ के सरपंच के खाते में अभी जो राशि है उस राशि में इस पुल का निर्माण यहाँ पर नहीं कराया जा सकता है। तकरीबन सरपंच द्वारा बताया गया है कि 2 लाख रुपए की राशि उनके खाते में जमा है। खर्चा साइट के हिसाब से जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाले में पानी का भाव बहुत अधिक है एवं बाढ़ के वक्त लगभग जो आगे निर्मित पुल है इसी नाले पर उसमें 6 से 8 फीट के करीब पानी भर जाता है। यहाँ साइट की अकॉर्डिंग 10 से 15 लाख का खर्चा, तो ग्राम पंचायत का मामला है। ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर हमारा काम तकनीकी प्रदान करना है। एक बार फिर सागर एक्सप्रेस न्यूज की खबर ने किसान की आवाज सुनी, दर्द जाना और आज प्रशासन को किसान की सुननी पड़ी। हम लगातार किसानों के दर्द के साथ खड़े हैं, यही हमारे चैनल का लक्ष्य है। प्रवीण सोनी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रहली। एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।